हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही नया वीडियो, बहुत ही अलग सा वीडियो। ठीक है, आज हम बताएंगे कि जैसे कि अपाची आरटीआर हो गया, R15 हो गया, सुजुकी जिक्सर हो गया, ऐसे कुछ गाड़ियों का, जैसे कि BS6 का भी कुछ गाड़ियों हो गया, इसका मैं बताऊंगा कि जो बैटरी का आउटपुट होता है ना, जैसे कि रेगुलेटर से जो RR यूनिट से मतलब बैटरी वोल्टेज निकलता है, वो कितना वोल्टेज निकलता है, कितना पॉइंट, वो हम चेक करवाएंगे हर एक गाड़ी का। ठीक है, तो पहले वीडियो को देखते रहिए, फिर उसके बाद कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर देना। और दोस्तों, वीडियो अगर एंड में अच्छा लगे तो लाइक भी दे देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बैटरी का एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो एक माइनस मैंने लगा के रखा, ठीक है, और प्लस का वायर लगा देते हैं, लगा कर फिर मल्टीमीटर से एक बार देख लेते हैं कितना आता है। तो दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हो, 12.30 तक दिखा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा नॉर्मल मतलब बैटरी का चार्ज है ये। तो एक बार हम बैटरी को गाड़ी को स्टार्ट करके कितना चार्ज देता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हो, दोनों वायर हमने लगा के रखा है यहाँ पर बैटरी में, दोनों को लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं बैटरी का वोल्ट कितना दिखाता है। तो 12 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके देख लेते हैं कितना RPM आता है इसका। देखिए, जैसे चाबी ऑन किया हमने तो डाउन हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं कितना बैटरी में वोल्टेज आता है। तो देख पा रहे हो, जैसे कि हम स्टार्ट करके एक्सलेटर बढ़ रहा है, तो देखते हैं कितना तक जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हो, 14 के आसपास जा रहा है, मतलब पूरा 14 नहीं गया। ठीक है, तो मतलब 13.90 91 इतना के करीब गया है। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा गाड़ी में कितना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये है अपाची RTR 4V 160। ठीक है, ये 4V 160। तो चलिए और दूसरा गाड़ी में चेक कर लेते हैं, वो उसमें कितना दिखाता है वो हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये नोट कर लिया आपने, नोट कर लेना कितना देता है किस गाड़ी में। तो चलिए दूसरी गाड़ी में एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें हम चेक करेंगे अभी। ठीक है, बिल्कुल न्यू बैटरी लगा हुआ है, जो कि अभी लगाया हुआ मैंने, तो इसका एक बार देख लेते हैं आउटपुट कितना निकलता है। ठीक है, तो इसका बैटरी चार्ज कितना देता है इसमें देख लेते हैं हम। चलिए 12 में कर दिया हम, 12 वोल्ट में मतलब 20। ठीक है, तो देख पा रहे हो कितना दिखा रहा है अभी, बिल्कुल नया बैटरी है फ्रेंड्स। चलिए गाड़ी का हम स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। ये जा रहे 14 के आसपास जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो देख पा रहे ये 14 के आसपास जाके मतलब 14 से ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, चलिए गाड़ी को हम बंद कर देते हैं अभी, देखते हैं कितना हुआ। 13 तक वोल्ट हो गया। तो दोस्तों, बिल्कुल नया बैटरी इसलिए ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देख लिया होगा इसमें कितना दिखा रहा है, तो 14.13 के 14 के आसपास दिखा रहा था। ठीक है, तो चलिए फिर दूसरा गाड़ी में देख लेते हैं हम। चलिए दोस्तों, आप चेक कर लेते हैं मैस्ट्रो का। ठीक है, मैस्ट्रो का बैटरी का वोल्टेज कितना देता है उसका हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बैटरी का कनेक्शन हमने किया है, तो वोल्टेज 12 में करके रखा है, तो 12.76 दिखा रहा है। ठीक है, चलिए एक बार गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए कम हो गया थोड़ा सा। अरे देख पा रहे हो, ये भी 14 के आसपास जाके 14.10 गया। ठीक है, तो ये भी देख पा रहे हो फ्रेंड्स। और चलिए और एक बार दिखा देता हूँ मैं।
तो देख पा रहे हो 14.10 तक गया है, ठीक है। तो फुल पिकअप देने पर 14.10 तक गया है, ठीक है। तो चलिए और दूसरा गाड़ी का भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हो ये है सुजुकी जिक्सर, इसका एक बार बैटरी चार्ज कितना निकलता है आउटपुट, जो इसका रेक्टिफायर जो है काफी बड़ा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, काफी इसका चार्जर बड़ा है। तो बैटरी भी बिल्कुल सही है, नया है। चलिए इसका एक बार देख लेते हैं कितना निकलता है बैटरी चार्ज। तो उसके पहले हम बैटरी गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर लेंगे। तो दोस्तों गाड़ी को हमने स्टार्ट कर लिया, चलिए देख लेते इसका कितना दिखाता है। कर देता हूँ एक बार। तो अभी ट्यूनिंग जो है देख पा रहे हो उसी हिसाब से 14 के पॉइंट चल गया, ठीक है। और पिका देते तो दोस्तों देख पा रहे हो नॉर्मल कंडीशन में ही 14 के आसपास जा रहा है, मतलब 14.30 चल गया, ठीक है। तो चलिए गाड़ी को एक बार स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप भी कर दिया, कम हो गया, देख पा रहे हो फ्रेंड्स। चलिए और एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, इसको क्लच को दबाना पड़ता है। चलिए दोस्तों देख पा रहे हो 14.11, 14.15, 14.30 तक चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देख पा रहे हो जैसे कि इतना तक जा रहा है सुजुकी जिक्स आ रही है, ठीक है। तो अभी तक कोई इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, जो कि बैटरी फूल जाना ओवर चार्ज होने से बैटरी फूल जाना, या तो हेडलाइट का जो बल्ब होता है वो कट जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बैटरी भी सही है, ठीक है। तो 14.30 तक जा रहा है और स्टार्ट करने पे थोड़ा और जा रहा है, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं है, उतना तक जाता है ये। तो बैटरी भी सही है, चार्जर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा गाड़ी का एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है HF डिलक्स VS4, ठीक है। तो चलिए इसका एक बार देख लेते हैं बैटरी टेस्ट, चार्जिंग आउटपुट कितना निकल रहा है, ठीक है। चलिए कनेक्शन कट दिया हमने ना मल्टीमीटर का, एक बार देख लेते हैं इसका कितना निकलता है, ठीक है। तो दोस्तों बैटरी भी बिल्कुल सही है, अभी एक बार भी चेंज नहीं हुआ, काफी साल हो गया, 2-2.5 साल से ऊपर होने को जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करके देख लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में देख लेते 12.55 या 54-52 इतना के करीब जा रहा है, ठीक है। तो एक बार पिकअप देके देख लेते हैं, 13, 14, 15, 14.15, 20, 14.20, 13। तो दोस्तों देख लिया जैसे कि 14.28 तक जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 14.28 तक जा रहा है, तो बस इतना का ही जा रहा है। चलिए इंजन ऑफ कर देते हैं अभी। तो दोस्तों ये भी देख लिया होगा HF डिलक्स, VS4 का तो देख लिया होगा, VS6 का भी शायद मैं दिखा दूं किसी दिन। तो दोस्तों बस देख लिया होगा कितना गया होगा। चलिए दोस्तों आप चेक कर लेते हैं, ये है होंडा CV Shine। चलिए इसका एक बार चेक कर लेते हैं बैटरी वोल्टेज कितना आउटपुट निकलता है। तो दोस्तों देख पा रहे हो दोनों कनेक्शन हमने कर दिया और बैटरी भी बिल्कुल सही है, सेल्फ वगैरह सब कुछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका भी एक बार चेक कर लेते हैं, मल्टीमीटर को ऑन कर देते हैं। जैसे कि देख पा रहे हो वोल्टेज दिखा रहा है, चलिए इग्निशन ऑन करके एक बार स्टार्ट करके देखिए। देख पा रहे हो फ्रेंड्स, चलिए एक्सीलेटर देके देखते हैं कितना था, 13। तो दोस्तों देख पा रहे थे जैसे कि ये 14 तक गया है, उससे ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो 14.0 दिखा रहा था, चलिए और एक बार देख लेते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे थे 14.13 या तो 12 ऐसे ही कुछ गया, ठीक है, उससे ऊपर नहीं गया। दोस्तों इसका भी पता लग गया होगा, जो देख पा रहे हो सीबी साइन है ये। चलिए और दूसरा गाड़ी का चेक कर लेते हैं, कोई और गाड़ी का, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, ये है हीरो होंडा ग्लैमर, काफी ओल्ड मॉडल है, तो इसका भी बैटरी बिल्कुल नया है, मतलब हो चुका है कुछ महीने, और इसका सेल्फ का वगैरह कोई बैटरी चार्ज वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका भी एक बार चेक कर लेते हैं बैटरी आउटपुट कितना निकलता है। चलिए कनेक्शन कर दिया हमने, और जो कि देख पा रहे हो 12.56 दिखा रहा है, ठीक है। चलिए इग्निशन ऑन कर लेते हैं, एक बार स्टार्ट करके देख लेते कितना आउटपुट निकलता है। जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में देख पा रहे हो 12-13 चल जा रहा है। चलिए एक बार एक्सलेटर देके देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे थे इसका 14.30 तक गया हल्ली खरीब, ठीक है। चलिए इसका भी देख लिया कितना गया। चलिए और दूसरा गाड़ी का भी एक बार देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आप इसका भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये है R15 Version 2, ठीक है। चलिए इसका भी एक बार बैटरी चार्ज कितना आउटपुट निकलता है चेक कर लेते हैं। बैटरी कंडीशन हमने यहाँ पे करके रखा और इग्निशन को ऑन कर दिया, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका बैटरी चार्ज अभी भी सही है, देख पा रहे हो। चलिए एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलिए देख पा रहे हो स्टार्ट करके देख लेते हैं पिकअप। तो दोस्तों जैसे कि देख लिया 14.40 तक गया है, तो ये है R15 Version 2। तो बस चलिए और दूसरा गाड़ी का भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि स्टार्ट देकर देखा दे रखा था थोड़ा बहुत, 13 हो गया बैटरी चार्ज। चलिए बस एक बार इसका भी बैटरी टेस्ट कर लेते हैं कितना टच चार्ज आउटपुट निकलता है, ठीक है। तो कनेक्शन हमने करके रखा है और वोल्टेज जो अभी देख पा रहे हो 12.94, ठीक है। चलिए एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हो आइडियल कंडीशन में जैसे कि देख रहे 13.22, 24, 31, 36, 40 चल गया, ठीक है। चलिए एक बार एक्सलेटर देके देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों बंद कर देते गाड़ी को, फिर बदलते हैं। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे थे 14.20 तक ही करीब करीब जा रहा था, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा था, ठीक है। तो मतलब ये भी चेक कर लिया, तो मतलब ये भी सही है, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हो थोड़ा सा स्टार्ट कर रखा, स्टार्ट करके रखा तो कितना हो गया 13.37 के आसपास हो गया, ठीक है। तो दोस्तों बस चलिए और दूसरा गाड़ी का भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देख लो फ्रेंड्स बढ़िया से, ये है VS6 का मॉडल है, ये HF डिलक्स जैसे कि देख पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए और दोस्तों इसमें भी लगा हुआ है TZ4, ठीक है, मतलब बैटरी साइज जो है इसमें भी लगा हुआ है TZ4 बैटरी साइज। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत अलग सा वीडियो बना होगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक भी दे देना। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि कुछ लोग मुझे कमेंट करके ये बताते हैं कि आउटपुट जो चार्जर होता है, मतलब जो इसका वोल्टेज आना चाहिए वो कितना आना चाहिए। और दोस्तों कुछ वीडियो के नीचे भी मैं कमेंट देखता रहता हूँ कि 14 से ऊपर अगर जाता है वो खराब होता है, वो सही बात नहीं होता। तो मैं दोस्तों इसलिए ये वीडियो बनाया जैसे कि आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से मैं बता सकूँ या तो दिखा सकूँ, जैसे कि 14 के ऊपर जाता है तो उससे कोई परेशानी नहीं होता। जितना भी गाड़ी का मैं वीडियो बनाया हूँ, मतलब ये चार्जर के बारे में, तो दोस्तों ये सभी गाड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, सारा कुछ बिल्कुल भी सही है। और दोस्तों आउटपुट जो होता है वो आना चाहिए 14.30
30 या तो 40 इतना कुछ आना चाहिए, उससे कोई परेशानी नहीं है, मगर 15 तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो लगभग जितना भी गाड़ी का मैं मतलब वीडियो बनाया, जैसे कि चार्जर वाला, तो लगभग देखा होगा कि सभी में 14 से ऊपर ही गया है, ठीक है, 14 से ऊपर ही गया है, 14.30 या तो 40 इतना कुछ गया हर गाड़ी में लगभग, तो उससे कोई परेशानी नहीं है, तो इतना जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।